मुझे तलाश है एक ऐसी पतिव्रता लड़की की जो मम्मी को किचन में घुसने ना दे और पति को बेडरूम में से निकलने ना दे। अंग्रेजी में बात करनी है उस लड़की से। ओ पापा ये आई टॉक घंटा इन इंग्लिश। तो दोस्तों फाइनली 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद बॉलीवुड की कोई पहली फिल्म बड़े पर्दे पर हो चुकी है रिलीज। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम था मार्च का जब हमें बड़े पर्दे पर बागी 3, अंग्रेजी मीडियम और कुछ फिल्में देखने को मिली थी। उसके बाद लॉकडाउन लग चुका था कोरोना वायरस के चलते, फिर हमें कोई भी बॉलीवुड की फिल्म बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली। लेकिन 8 महीनों के इंतजार को ख़त्म करते हुए यहाँ पर दिलजीत दोसांझ, मनोज बाजपेयी, फतिमा सना शेख और अन्नू कपूर की कॉमेडी फिल्म सूरज पे मंगल भारी हो चुकी है थिएटर में रिलीज। अब आपको बता दें दोस्तों कि दिवाली की छुट्टियों के मौके पर एक कॉमेडी फिल्म जैसे कि सूरज को मंगल भारी, ऐसे फिल्म को थिएटर में लगाना काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि इस समय फैमिली ऑडियंस को एक हल्के फुल्के कॉमेडी फिल्म चाहिए। ऊपर से अगर वो फिल्म बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन दोस्तों फिर भी अभी लोगों में कोरोना वायरस का डर है, जिसके चलते सूरज पे मंगल भारी फिल्म को जो पहले दिन कमाई मिलना थी उस तरह का कलेक्शन ये फिल्म करने में थोड़ी सी नाकामयाब रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर ली जाए सूरज पे मंगल भारी फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को पहले दिन मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 6% की ऑक्यूपेंसी मिली, वही आफ्टरनून वाले शोज में फिल्म को 7.5% की ऑक्यूपेंसी मिली। लेकिन दोस्तों फिल्म के जो इवनिंग वाले शोज थे उसमें जो ऑक्यूपेंसी है उसमें अच्छा खासा बढ़त हुआ और फिल्म को इवनिंग वाले शोज में लगभग 11% की ऑक्यूपेंसी मिली। तो दोस्तों फिल्म के जो ऑल इंडिया के शुरुआती 3 शो है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इन शोज की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से लग रहा है कि फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन है वो लगभग 1,20,00,000 रुपए के आसपास का आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए जो असली परीक्षा है वो होने वाली है नाइट के शोज में, क्योंकि अगर फिल्म को नाइट वाले शोज में ऑक्यूपेंसी में और भी बढ़त देखने को मिली तो हो सकता है कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन लगभग 2 करोड़ रुपए भी आ जाए। लेकिन जिस तरह फिल्म को शुरुआती 3 शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है उसी तरह की ऑक्यूपेंसी नाइट के शोज में भी मिलती है तो फिल्म का पहले दिन का इंडिया कलेक्शन लगभग 1,20,00,000 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ रुपए तक जा सकता है। पर दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि सूरज पे मंगल भारी काफ़ी बढ़िया फिल्म है, जिस फिल्म को आप बड़े पर्दे पर अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप भी बॉलीवुड के फैन हो और आप चाहते हो कि आने वाले समय में बॉलीवुड की फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो तो इस फिल्म को आप देखने जरूर जाओ, क्योंकि दोस्तों अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में बॉलीवुड के बाकी जो प्रोड्यूसर है वो भी हिम्मत दिखाए और अपनी फिल्मों को बड़े पर्दे पर रिलीज करे। तो दोस्तों अगर आपके पास फ्री टाइम है तो बिल्कुल अपना ख्याल रखते हुए सैनिटाइजर लगाकर, मास्क पहनकर सूरज पे मंगल भारी फिल्म को थिएटर में देखने जरूर जाए, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड को आपके सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन अगर आपने सूरज पे मंगल भारी फिल्म देख ली तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। और सूरज पे मंगल भारी फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले।